Do you want more customers or you want a customer to buy your product instead of the competitor? आप ऐसा क्या जादू करें जो कस्टमर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं आपका प्रोडक्ट बाय करना पसंद करे? आइए जानते हैं आपके इन सवालों का जवाब। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। हाय, मैं मेघा मलिक, ब्रांड कंसल्टेंट एंड co-founder designerpeople.com। आप बिजनेस करते हैं या जॉब? आज का वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, वैल्यूएबल। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, वैल्यू प्रोपोजिशन। आप अक्सर सुनते होंगे, वाओ इट्स अ गुड डील, ओ दैट्स अ बैड डील। आपने कभी सोचा है कस्टमर ये कैसे डिसाइड करते हैं ये गुड डील है या बैड डील? ऐसा क्या देखते हैं वो आपके एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेबसाइट या कोई भी टच पॉइंट पर, जहां उसको देखते ही लगता है अरे वाह ये सही है, आपका प्रोडक्ट या तो उनको बेनिफिट देने वाला है या फिर उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। बस यही वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट छोड़ आपका प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे ही कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस देखता है उसके माइंड में एक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और वो फॉर्मूला है वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मीन्स ये प्रोडक्ट मुझे क्या बेनिफिट देने वाला है डिवाइडेड बाय इसका मुझे क्या कॉस्ट देना होगा। बस यही वो डिसाइड कर लेता है ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरे लिए वैल्यू करता है या नहीं, और इसे हम कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं। सो नाउ इट्स क्लियर दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्ट सेल्स एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, यू हैव टू इंक्रीज वैल्यू प्रोपोजिशन ईदर बाय इंक्रीजिंग बेनिफिट इन द आईज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर और बाय डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन कॉस्ट रिड्यूस करके वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि कॉस्ट रिड्यूस करना ही एक ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो एप्पल, नाइकी, स्टारबक्स जैसे ब्रांड इंडिया में ग्रो ही नहीं करते, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से 4 से 5 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं। बहुत से बिजनेस एक अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट वैल्यूज़ को कस्टमर्स तक ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अ गुड ब्रांडिंग एजेंसी ऑलवेज यूज वैल्यू प्रोपोजिशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट योर बिजनेस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। यू कैन कॉन्टैक्ट आर एजेंसी ऑन द गिवन बिलो फोन नंबर एंड वी विल हेल्प यू टू मेक योर ब्रांड ग्लोबल। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वैल्यूएबल वीडियोज फॉर यू। सो नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज विच अ कस्टमर कंसिडर वाइल मेकिंग अ परचेज। फंक्शनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, सिम्बॉलिक वैल्यू एंड एंड वैल्यू। फंक्शनल वैल्यूज वो वैल्यू हैं जिससे या तो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो या उनकी लाइफ ईजी या बेटर होती हो। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आईफोन ने अपने टच आईडी या फेस आईडी जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कर अपने प्रोडक्ट में सिक्योरिटी ऐड की, इससे कस्टमर की लाइफ ईजी हुई। एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के इनोवेटिव सॉफ्टवेयर ने मिनट्स में क्रिएटिव इमेजेस बनाकर मीडिया इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करी। इमोशनल वैल्यूज वो वैल्यू जो कस्टमर के इमोशंस के साथ जुड़ी हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इमोशनल वैल्यू का बहुत यूज़ करती हैं एड कैंपेन्स में, जैसे कि मेरे देश का नमक टाटा नमक, ये इमोशनल वैल्यू का एग्जाम्पल है। दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल। आप भी कंट्री, स्टेट, सिटी, फैमिली, किड्स एसेट्रा सब्जेक्ट्स जो भी ह्यूमन इमोशंस के साथ एसोसिएटेड हैं का यूज़ कर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बाउंड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आपके कस्टमर का इमोशनल रिश्ता हो। पतंजलि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर मेड इन भारत इंस्टेड ऑफ मेड इन इंडिया भी एक इमोशनल वैल्यू का एग्जाम्पल है। कोको कोला की एड कैंपेन्स, एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इकोनॉमिक वैल्यू वो वैल्यूज जो कस्टमर को फाइनेंशियल एडवांटेज दे जिससे आपके कस्टमर का पैसा या टाइम बच रहा हो। एग्जाम्पल बाय वन गेट वन फ्री और गेट 20% एक्स्ट्रा, कस्टमर को उसमें फाइनेंशियल एडवांटेज दिखते हैं। सुजुकी एक्सेस कम पीता है मीन्स बेटर माइलेज, ये सब इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। आप भी अपने बिजनेस में कस्टमर को इकोनॉमिक वैल्यूज दिखाकर सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सिंबॉलिक वैल्यू, कस्टमर सिंबॉलिक वैल्यूज को भी एनालिसिस करता है जिसमें प्राइड, सोशल स्टेटस की फीलिंग हो, जैसे कि डिजाइनर क्लोथ्स, गुची, प्राडा, लुई विटॉन, रोलेक्स वॉचेस और कोई भी बड़ा ब्रांड जिनका नाम सुनते ही स्टेटस की फीलिंग डेवलप हो। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके साथ रिचनेस की फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं। अगर आप अपने ब्रांड को इस लेवल पर प्रोजेक्ट करते हैं जो आपके कस्टमर को सोशल स्टेटस देता हो, फिर चाहे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ भी हो कस्टमर आपसे ही परचेज करेगा। एंड वैल्यू, कस्टमर के साथ आपके बिजनेस का रिश्ता सिर्फ प्रोडक्ट की सेल्स तक नहीं होता, वो रिश्ता आपके प्रोडक्ट की सेल्स के बाद भी रहता है। आपके प्रोडक्ट की एंड वैल्यू उसके माइंड में कैसे बनती है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है।
I will share my experience with you to explain you better. I bought a home utility product. Even that product is working perfectly fine, but I still got a call from that company. Madam, आपको हमारे product में कोई problem तो नहीं face हो रही है? आपका experience कैसा रहा हमारे product को use करके? आप समझ गए होंगे मेरे mind में क्या image बनी होगी उस brand की. बस यही end value है और ये हर business के लिए बहुत important है. ये 5 points जो मैंने आज आपके साथ discuss किए हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जानेंगे. मार्केट रिसर्च और कस्टमर ट्रेंड से इजीली जाना जा सकता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं. कस्टमर इनसाइट नॉलेज इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस ओनर. और हाँ, अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कस्टमर हैं तो प्लीज उनको वैल्यू एडिशन देना मत भूलिएगा. आपके वैल्यूएबल कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. We have already worked with a lot of great brands in India for their branding and marketing services and given exponential growth in their businesses. You can also contact us to make your business a global brand. Thanks for watching my videos. मैं इस तरह branding and marketing पर videos बनाती रहूँगी जो आपके business को growth देते रहेंगे. I really would like to thank you guys for watching my videos. Thank you and happy business.